इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां रसूलपुर में दिन दहाड़े मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश शाह की गाड़ी पर अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी हैं। बता दें कि दो व्यक्ति को गोली लगी है जहां ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश शाह के भाई की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने पहले मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश शाह के कार को रोका और कार के रुकते ही उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं इस गोलीबारी की घटना में गोली लगने के कारण कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश शाह के भाई को गोली लगने के कारण उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है जिनका उपचार एकमा के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक युवक की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के परसागढ़ निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। साथ ही आपको हम यह भी बता दें कि इस गोलीबारी की घटना से आक्रोशित लोगों ने रसूलपुर में छपरा सिवान NH को पूरी तरह से जाम कर दिया है। साथ ही रसूलपुर से चैनपुर जाने वाले मुख्य मार्ग को भी जाम कर दिया है। हमारे यहाँ के जो रसूलपुर के मुखिया प्रत्याशी थे मिथिलेश प्रसाद जो अगली बार पंचायती का चुनाव लड़ रहे थे तो उनका जो ड्राइवर थे मतलब उन्हें हम लोग गांव में मरुति मरुति कहकर बोलते थे, बेचारे परसा कहते यहाँ पर रिश्तेदारी में रहते थे और एक उनके भाई जो गाड़ी में थे तो जो उनके ड्राइवर थे उनको यहाँ पर गोली मारी गई कनपट्टी पे और वो लड़का तुरंत डेड कर गया और मिथिलेश प्रसाद जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनके भाई की गोली यहाँ पर लगी है लेकिन उनकी हालत अभी कैसी है कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें लोग हॉस्पिटल में लेकर जा चुके हैं। और ये देखो पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, ये मुखिया प्रत्याशी थे और उनके ड्राइवर मतलब उन्हीं की मिथिलेश प्रसाद की गाड़ी ये चलाते थे हमेशा मारुति जिनको गोली लगी मतलब बीच बाजार पर, अभी सुबह का टाइम है 8 या 9 बज रहे हैं तभी गोली मार दी गई बीच बाजार। और प्रशासन असल क्या कर रहा है कुछ पता नहीं लेकिन गोली लग चुकी है क्योंकि बॉडी यहाँ पर रखी गई है और उनका इलाज चल रहा है मिथिलेश प्रसाद के भाई मनोज जी का और ड्राइवर तो डेड कर चुके हैं क्योंकि गोली उनको सीधा यहाँ पर लगी थी और उसके अल्टरनेट गोली उनको लगी थी तो जिंदा हैं और अभी उनका इलाज चल रहा है। कैसा पोजीशन है ये कुछ पता नहीं चला क्योंकि अभी लोग बाजार पर खड़े हैं लेकिन उनका डेड हो चुका है।